हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, हम लोग क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज सेल। यानी हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, पूरी हिस्ट्री को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली सेल के तीन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेनली? सबसे आउटर में तो होता है सेल मेम्ब्रेन। इससे आउटर में भी एक और लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में, एल्गी में, कुछ फंगी में, इनमें ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें आउटर लेयर, सेल के बाहर वाली लेयर, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेंटर में पार्ट होता है सेल के, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स वगैरह धंसे हुए रहते हैं उसको। तो आज हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग न्यूक्लियस भी पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ चुके हैं, सेल वॉल भी पढ़ चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में उनका आप लोगों को पूरी वीडियोज मिल जाएंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद ही आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, और इसी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स वगैरह भी आएंगे तो उनको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, बेसिकली ये, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है। इसमें जो इनर ग्रैनुलर पार्ट होता है, ग्रैनुलर मतलब होता है दानेदार, तो इसमें कुछ तो पार्ट ऐसा होता है जहां पर दाने थोड़े कम होते हैं, ग्रैनुलर थोड़ा कम होता है, और कहीं ज्यादा होता है। तो यहाँ इनर ग्रैनुलर पार्ट जो है वो, उसको बोला जाता है एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का भी दो पार्ट हो गए, एंडोप्लाज्म जो कि इनर पार्ट होगा न्यूक्लियस के पास, और एक्टोप्लाज्म या फिर उसको सेल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है, ये है आउटर वाला पार्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ वाला होगा, थोड़ा ग्लासी होता है, इसको बोला जाता है एक्टोप्लाज्म या फिर सेल कॉर्टेक्स। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट करके रखता है एक एक्वस मटेरियल को, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस को, जिसको बोला जाता है साइटोसोल। यानी ये जो पार्ट होता है एक्वस सब्सटेंस, इसको साइटो है तो साइटोप्लाज्म का पार्ट, लेकिन इसको पर्टिकुलर नाम दिया है, दैट इज साइटोसोल। अब ये साइटोसोल कंटेन करके रखता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटर्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गेनल्स इसी साइटोसोल में इमर्ज करके रखता है। इसके साथ साथ कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, लिपिड, जो कि हम लोग फूड वगैरह के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, यानी लेते हैं, और वो हमारे बॉडी में एनर्जी फॉर्म करने के काम करेगा। जैसे कि हम लोग जब फूड लेते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, ग्लूकोज भी होता है उसके अंदर, पांच तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह। तो ये कहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों को पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है ताकि हम लोग अपने डेली काम, डेली रूटीन के काम कर सकें। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे स्टोरेज प्रोडक्ट यहाँ तक सेल के अंदर ही रहेंगे, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँच पाएंगे, तभी वो एनर्जी को जनरेट कर पाएगा। तो ये सभी किसमें पड़े हुए रहते हैं? इस साइटोसोल में। इसके साथ साथ कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल भी होता है जो सेल प्रोड्यूस करती है, वो भी इसी साइटोसोल में पड़े हुए रहते हैं। तो अभी फिलहाल हम साइटोसोल को और पढ़ लेते हैं डीपली। तो साइटोसोल सॉल्युबल होता है, बैकग्राउंड मटेरियल है, यहाँ पर बैकग्राउंड बनाता है साइटोप्लाज्म का, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर। यानी इसमें प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं, जिनको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। यानी साइटोस्केलेटन, जो कि प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं, वो भी इस साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में पड़े हुए रहते हैं। तो ये अगर हम बेसिकली साइटोस्केलेटन देखें तो ये तीन तरह का होता है, और इसका काम होता है सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, सेलुलर मूवमेंट्स, उनको कंट्रोल करने का और सेल को शेप देने का। यानी जो सेल होती है उसको अपनी शेप को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो वो इस
साइटोस्केलेटन की मदद से होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी वजह से हमारी बॉडी की ये शेप होती है, ऐसे ही सेल की जो शेप है वो इस साइटोस्केलेटन पर डिपेंड करती है। अब ये तीन तरह का होता है, एक होता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो कि एक अलग तरह की प्रोटीन का बना हुआ रहता है, उस प्रोटीन को कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। दूसरा होता है माइक्रो फिलामेंट। ये टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन के और ये बना हुआ रहता है एक्टिन प्रोटीन से। एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये बना रहता है केराटिन प्रोटीन से। तो बेसिकली साइटोस्केलेटन इन तीन प्रोटीन का बना हुआ रहता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अलग अलग प्रोटीन से ये बने हुए रहते हैं। इनका वर्क है सेलुलर मूवमेंट का और सेल को शेप प्रोवाइड करने का। नाउ सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें 90% वाटर होता है और उसमें ही बायोकेमिकल्स भी मिले हुए रहते हैं जो सेल को चाहिए अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए, वो भी इसी वाटर में इमर्ज रहते हैं। साइटोसोल में दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स और दूसरा लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज आयन्स, सॉल्ट्स, शुगर, एमाइनो एसिड, डिजॉल्व गैसेस जो हम लोग गैस एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेशन में, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, तो इसी तरह की, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो भी थोड़ा बहुत अमाउंट में यहाँ पर मिले हुए रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं जो डीएनए वगैरह के फॉर्म में हमें लोगों को मिलेंगे, बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसी साइटोसोल में रहते हैं और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि यूनिफॉर्म है, एक तरह से डिजॉल्व चीजें होती हैं उसमें। और दूसरा लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन वगैरह, बहुत सारी प्रोटीन है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर भी गिनवाई थी, जैसे कि इसमें भी तीन तरह की प्रोटीन का पार्टिसिपेशन है, ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, केराटिन, ये जो प्रोटीन थी। ऐसे ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के जो कि एक तरह का कोलाइड विलयन बनाते हैं या कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कोलाइड एक तरह से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो उसमें पार्टिकल्स अलग अलग हम देख सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन कहेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता, वो एक तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों ही तरह के मॉलिक्यूल्स साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं और ये साइटोसोल हमारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का एक्वस पार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जो बता रही हूँ, ये आगे जाने वाली क्लासेस में, जैसे आप लोग, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 11th क्लास में बायोलॉजी लेना चाहेंगे, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहेंगे, नर्स बनना चाहेंगे, तो ये सब चीजें बेसिक हैं और 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप लोगों में से जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइटोसोल के फंक्शंस। नाउ साइटोसोल स्टोर करके रखता है केमिकल्स को, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा, केमिकल्स सच एज एमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयन्स, इन सबको साइटोसोल स्टोर करके रखेगा। यानी साइटोसोल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, उन्हें फंक्शन करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, वो केमिकल्स इसी साइटोसोल में पड़े हुए रहते हैं। तो जब भी किसी ऑर्गेनल को चाहिएगा वो यहाँ से वो उसको ले सकेगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे होता है, यानी बहुत सारी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूविक एसिड में, हम लोगों एनर्जी इसी प्रोसेस से मिलेगी। 10th क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को।
तो ग्लूकोज के पाइरूविक एसिड में बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये कहाँ होती है? ये हमारे सेल के अंदर होती है। तो एक तरह का पाथ होता है वो, ताकि ये प्रोसेस हो सके। एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, एमाइनो एसिड, तो ये इनका भी सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? इसी साइटोसोल में। इसके अलावा साइटोसोल हमेशा मूवमेंट के फॉर्म में रहता है, यानी कि हमेशा मोशन में रहता है। नाउ साइटोसोल हम लोगों ने देख लिया कहाँ है, साइटोप्लाज्म का एक एक्वस पार्ट। तो अभी हम लोगों ने साइटोसोल के बारे में पढ़ा। अब साइटोसोल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी मर्ज रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, जो कि एक अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। यानी कि हर ऑर्गन के पास, हर ऑर्गेनल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग चीजों को फॉर्म करता है, अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन होता है उस ऑर्गेनल में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो एनर्जी को फॉर्म करता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में वो बनाता है। तो ऐसी अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग तरह का फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो जाए, मतलब वो अपने चीजों को, अपने कंटेंट को सेपरेट करके ही रखें, इसलिए वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। यानी हर एक ऑर्गेनल के पास उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, ताकि उसका मटेरियल उसी के अंदर रहे, या फिर जिस तरह से उनको ट्रांसफर करना है उसी तरह से वो ट्रांसफर हो। ऐसा नहीं कि सब चीजें आपस में इंटरमिक्स हो गई हैं, फिर तो किसी का कोई काम रहा ही नहीं, सबका अपना आपस में मिल ही गया है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो ये कुछ चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, कुछ चीजों को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे राइबोसोम, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गन, वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, कुछ लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, तो वो लिपिड को सिंथेसाइज करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ग्लूकोज बनाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो भी तो एक सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये कुछ सिंथेसाइज करती है सेल। इसके अलावा कुछ चीजों को सिक्रीट भी करती है, यानी निकालती भी है, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, म्यूकस, आप लोगों ने कहा हमें नोज में प्रेजेंट रहता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, उसे म्यूकस कहते हैं। हमारे विंड पाइप में, हमारे फूड पाइप में म्यूकस होता है, तो वो कहाँ से रिलीज हुआ है? वो सेल ऑर्गेनल से ही रिलीज होते हैं, जो कि सेल के अंदर है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेस्ट हैं, इनसोल्यूबल वेस्ट हैं, उनको डाइजेस्ट कौन करेगा? यही सेल ऑर्गेनल। आप लोगों ने लाइजोसोम पढ़ोगे आप लोग आगे, तो लाइजोसोम क्या होता है? सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है, या डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है, तो वो डाइजेस्ट करता है इनसोल्यूबल वेस्ट को, तो सेल का ऑर्गेनल का काम हो गया। एंड फोर्थ वन इज जनरेट एनर्जी, यानी सेल के ऑर्गेनल एनर्जी को भी जनरेट करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस, तो वो एटीपी के फॉर्म में एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का, तो ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये सारे फंक्शन सेल ऑर्गेनल को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये दोनों तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इसके साथ साथ राइबोसोम्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, इनके भी अलग अलग 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ये अलग अलग तरह के राइबोसोम हैं। गोल्जी एपरेटस भी होता है सेल ऑर्गेनल। लाइजोसोम अभी हमने बात की थी, जो डाइजेस्ट करने का काम करेगा इनसॉल्युबल वेस्ट को, तो ये लाइजोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करेगा। प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट है, वॉक्यूल्स होती हैं जहाँ पर स्टोरेज का काम होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री की तरह होता है। सिर्फ फैक्ट्री में चीज़ों को बनाया जाता है, उसमें बनाने वाला ग्रुप अलग होता है, ट्रांसफ़र करने वाला ग्रुप का अलग होता है, पैकेजिंग के लिए अलग होता है और टूट फूट को देखने के लिए अलग होता है। तो ऐसे ही हमारी सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के एम्प्लॉयर की तरह काम करते हैं। तो पेरोक्सीसोम्स होते हैं और सेंट्रोसोम्स होते हैं। तो ये एक एक करके हम लोग इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, साइटोसोल के बारे में पढ़ा और कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम हम लोगों ने देखे और सेल ऑर्गेनल्स करते क्या हैं एक्चुअल में वो हम लोगों ने देखा। आगे आने वाली जो वीडियोज होंगी उसमें हम लोग इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब तक के टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो काम का लगा हो, अगर आपके काम का हो, तो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। तो थैंक यू सो मच।